हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी फर्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट। आइए जानते हैं क्या होता है नियर मिस। नियर मिस एक इंसिडेंट है जिसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है, कोई भी पर्सनल इंजरी यानी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है, चोटिल नहीं होता है कोई, किसी को किसी तरह के जख्म नहीं लगते हैं, कोई भी घायल नहीं होता है, बस किसी तरीके से बच जाता है। इसमें दो रीज़न होते हैं बचने के, एक तो समय का अंतराल और एक पोजीशन जो थोड़ी सी डिफरेंट है एक्सीडेंट के लिए। अगर राइट टाइम पे समय पे उस पोजीशन से नहीं हटते तो वो किसी भी तरह की इंजरी का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है। इसे हम जनरल लैंग्वेज में कहेंगे बाल बाल बचना। मिसाल के तौर पर एक बॉक्स हाइट पर से गिरता है, लेकिन जो इंसान वहाँ से, जो आदमी वहाँ से गुजर रहा है, उसे कोई भी चोट नहीं लगती है। आइए अब देखते हैं इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट एक अचानक होने वाली घटना है, एक अनचाही घटना है जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, और ये किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में बाधक बनती है, रुकावट बनती है। और इंसिडेंट को ही हम एक पैरामीटर मानते हैं, एक मापदंड मानते हैं, जो कि नियर मिस और एक्सीडेंट के बीच में होने वाली फैटलिटी या नुकसान को दर्शाती है। इंसिडेंट नियर मिस और एक्सीडेंट के बीच की कड़ी है। जितनी भी घटनाएं नियर मिस और एक्सीडेंट के बीच में होती हैं हम उन्हें इंसिडेंट कहते हैं। एग्जांपल, एक गाड़ी पलटी लेकिन उसमें किसी भी तरह की चोट ना ड्राइवर को लगी और ना ही गाड़ी को कोई नुकसान हुआ, तो इसे हम एक इंसिडेंट कह सकते हैं। ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन देखते हैं। ये भी एक अनप्लान घटना है, एक अनचाही घटना है जिसके लिए पहले से कोई भी प्रिपेयर नहीं होता है। जो अधिकतर नेगेटिव रिजल्ट इसके होते हैं, नेगेटिव परिणाम होते हैं, जैसे किसी को इंजरी या फिर किसी प्रॉपर्टी का डैमेज होना, या कभी कभी इसमें मौत भी हो सकती है। बल्कि तौर पर दो गाड़ियाँ आपस में लड़ी जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।